सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद कामिल खान का यूट्यूब चैनल और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता हूं मैं। आज मेरा मूड है टेस्ट क्रिकेटर को चैलेंज करने का। आप सोचेंगे कि यार कामिल को देखो और एक टेस्ट क्रिकेटर को ये चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज ऐसा नहीं है, एक फ्रेंडली मैच होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं खेलूँ। आपको याद होगा इसी अकेडमी में मैंने शाहीन शाह के साथ जो है ना मैच खेला था और वो सीरीज ड्रॉ हो गया था। आज देखेंगे क्या होता है। टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद के साथ आज है मेरा मैच। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे आप? ठीक ठाक सेट है, मैच के लिए तैयार है आप? हाँ बिल्कुल। प्रेशर मुझ पे होना चाहिए और मुझ पे प्रेशर है भी, लेकिन यासिर भाई को भी थोड़ा सा प्रेशर ये होगा कि ऐसा नहीं कि एंकर पर्सन अगर जीत गया तो ये तो भी मसला हो सकता है ना, है ना? हाँ नहीं यार, ये बिल्कुल, आप मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। पिशावर सिटी के हार्ट में इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी माशाल्लाह आपने क्रिएट की है, तो ये वही आइडिया था जो हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट दैट, और हमेशा इन्हीं से सीखा है और कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ। यासिर भाई, आपने हमें बैटिंग दी है, बिल्कुल जो ना, हम इंशाल्लाह 3 ओवर का ये मैच है, देखते हैं कि आखिर में क्या होगा। चलो चलो जी। मैं मान लेता हूं कि आप सीरीज जीत चुके हैं और ये बंदा जो है वाकई इसमें कोई शक नहीं है। चले बैटिंग बॉलिंग तो वो तो साइड पर रख देना, जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं, मैं कसम खाता हूं कि यार अभी जो हमारे पाकिस्तान की जो अभी जो खेलने वाले लड़के और जो फील्डिंग कर रहे हैं, यकीन आपकी फील्डिंग अभी भी टॉप पे है भाई जान, मानता हूँ। क्योंकि यार चक्के इसे पकड़ के कैच कर दिए और जो ना तकरीबन 5-6 चौके तो इसने ऐसे रोके हैं कि मैं बता नहीं सकता। हमने फील्डिंग में आपने हमें थोड़ी सी इम्प्रेस भी किया और मज़ा आया, और मज़ा आया। मजा क्या, ऐसे कैसे आप बेस्ट ऑफ 3 दिए गए? बेस्ट ऑफ 3 में पहला मैच हम जीते हैं, दूसरा मैच जो ना वन साइडेड यासिर भाई जीते हैं, और तीसरा मैच जो ना ये 1 रन से जीते हैं। ठीक कह रहा हूँ, एक रन से जीते, लेकिन मैच अच्छा हुआ, बहुत लास्ट वाला जो था वो हाई स्कोरिंग हुआ, तकरीबन 27 रन इन्होंने किए। पहले मैच हम हारे हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, पता नहीं था कि स्कोर कैसे बना। अच्छा, फिर कैसे? जबरदस्त कमबैक, मैं मानता हूं सर टेस्ट प्लेयर होता है ना, टेस्ट प्लेयर एंकर होता है, टेस्ट प्लेयर होता है। अच्छा जी, दूसरी बात, अभी यासिर भाई के साथ तो चले मैच हो गया, अभी स्नूकर क्लब हम जा रहे हैं, यासिर भाई थोड़ा सा खेलेंगे, हम भी साथ खेलेंगे, और इनसे पूछेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो सीरीज चल रहा है उनके हवाले से, इस सीरीज के हवाले से इनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। आ जाए यासिर भाई, स्नूकर खेलने का मूड है? वो तो खेलते हैं, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी गपशप, जो सीरीज शुरू है उसमें भी थोड़ी सी गपशप लग जाए तो मजा आ जाएगा। वो भी करते हैं और थोड़ा गेम भी खेलते हैं। अच्छा चले आ जाए, टेबल आपके लिए रेडी है, बल्कि रेडी हो रही है टेबल। यासिर भाई ये बताए कि साउथ अफ्रीका 13 साल बाद जो है ना वो आई है पाकिस्तान, कैसा फील हो रहा है? यार बहुत अच्छा, ज़बरदस्त मज़ा आया यार, टेस्ट मैच बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा परफेक्ट खेले, और 13 साल बाद टीम आई है वाकई, और मेरे ख्याल से ये रिवाइवल है क्रिकेट का पाकिस्तान में, सही मानो में, और टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। फवाद आलम को 10 साल बाद मौका मिला है, और मेरे ख्याल में साथ आप भी उनके खेले हुए हैं, फवाद आलम को कैसे देखते हैं, जिस तरह उसने सेंचुरी स्कोर की और 10 इशारे मतलब 10 उंगलियां दिखा के इशारा किया है कि आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, मेरे 10 साल ज़ाया कर दिए, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक बड़ा लकी रहा है, वो 10 साल उसने परफॉर्मेंसेस की है, बट उस वक्त जगह नहीं बन रही थी टीम में। देखिए हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, उस वक्त शायद वो आता, परफॉर्म ना कर पाता, फिर बाहर हो जाता, फिर नहीं आना था, बट अब वो है तो अब ही शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, और बड़ा अच्छा खेला है, बड़ा मैच्योर क्रिकेट खेल रहा है और बड़ी मैच्योरिटी के साथ खेल रहा है। अब देखिए ना, इससे पता लगता है कि परफॉर्मेंस जो है वो, अगर आप परफॉर्मर हो और आप दिल ना छोड़ो, मतलब ये कितनी बड़ी मिसाल दी है फवाद ने कि आप परफॉर्मेंस दो, कंसिस्टेंसी के साथ खेलो, दिल लगा के खेलो, तो आपको ज़रूर मौका मिलता है और आप डिलीवर भी करते हो। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, बिल्कुल फवाद आलम के केस में वही हुआ है। स्नूकर शुरू करें? चलो। We'll be right back.
यासिर भाई, जिस तरह आपने बात की फवाद आलम के हवाले से कि इसमें एक मैसेज भी लोगों को जाता है कि यार हिम्मत कभी भी नहीं हार नहीं, आपको उसका सिला मिलेगा, अगर आप हिम्मत करोगे तो सिला ज़रूर आपको मिलेगा। इसके अलावा बॉलिंग के हवाले से ज़रा बताएं, एक भी फास्ट बॉलर जना परफॉर्म नहीं कर पाया, एक ही दो विकेट जो ना फास्ट बॉलर ने लिए, यासिर शाह और नोमान अली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और मैच उन्होंने ही पाकिस्तान को जितवाया, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो पिच थी ना वो थोड़ी सी लो बाउंस की पिच थी और स्लो पिच थी, तो फास्ट बॉलर्स का तो वैसे भी बॉल इतना नहीं हो रहा था, तो ये अच्छा ही हुआ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो कि साउथ अफ्रीका के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सारे टॉल हैं और वो बॉल को हाइट देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से अच्छी थी पिच, जो बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग को सूट कर रही थी, जिस तरह नोमान अली ने 5 आउट किए, दिस इज़ वेरी गुड साइन, और यासिर शाह इज़ बैक इन बिजनेस आफ्टर लॉन्ग टाइम, विच इज़ वेरी गुड टू सी, बिकॉज ही इज़ एक्सीलेंट ग्रेट टैलेंट, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, तो अच्छा हुआ उसके लिए भी, चले थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस हुए बाहर हुए। मेरे ख्याल से ये जो पिच थी ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नेचुरल पिच है ना बिहेवियर वाइज, ये वो पिच थी। तो इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जब तेज़ विकेट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। इमाद भट्ट और आबिद अली के हवाले से बात करेंगे, ओपनर्स नहीं चल रहे हमारे, आबिद अली ने स्टार्ट में कोशिश की कि परफॉर्म करे, परफॉर्म हुआ उससे, लेकिन फ्रॉम द लास्ट 2-3 टेस्ट जो है ना उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, आपको पता है कि जो टेस्ट क्रिकेट है ये आपको टेस्ट करती है, ठीक है, आपकी टेक्निक टेस्ट करती है। आबिद अली नो डाउट, उसने जब रन्स किए थे वो उस वक्त अपने आप को देखे और अभी देखे तो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। उस वक्त वो झुक के खेल रहा था, ठीक है, और झुक के खेलना बहुत अच्छा होता है, अब वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, तो बात ये कि एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक तो आपको थोड़ा सा उसके टेक्निकल इश्यूज़ हैं आबिद अली के, जो कि उसको मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसको रेस्ट करवाएं अगले मैच में, और काफ़ी टाइम हो गया उसने रन्स नहीं किए। और इमरान भट्ट की जहाँ तक बात है तो इमरान भट्ट अच्छा प्लेयर है, उसको मैंने देखा है डोमेस्टिक में, सीजनल क्रिकेटर है, अनलकी रहा है उसने परफॉर्म नहीं कर सका, बट आई होप कि ही विल परफॉर्म एंड ही विल प्ले वेल, क्योंकि वो बॉडी के करीब के अंदर फील्डर बहुत अच्छा है, ऐसे प्लेयर जो जिनमें बड़ा अच्छा कैच भी पकड़ा है स्लैप में, जो टेक्निकल इश्यूज जिनमें कम होते हैं ना, वो फिर थोड़ा उनका रन लंबा होता है, लॉन्ग रन होता है। यासिर भाई, सेलेक्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम ऐसे मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कामरान गुलाम को स्ट्रेट अवे पिक किया है, साजिद को जो है ना स्ट्रेट अवे उन्होंने पिक किया, इस तरह नोमान आए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किस मेंटेलिटी के साथ सिलेक्शन हो रही है? बहुत अच्छी बात है ये, तो देखिए परफॉर्मर को हमेशा मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। कामरान गुलाम की जहाँ तक आपने बात की, बड़ा ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया, उसको इनक्रेजमेंट मिली है, उसको टीम में लेके आए हैं और इंशाल्लाह आगे वो खेलेगा भी, उसको चांस भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखिए, फवाद आलम का जो पूरा जो है ना, आप अगर आप उस पर नज़र डालो तो हम सब के लिए एक लेसन है कि आप कभी भी हार्ड वर्क का जो है वो सहारा लो हमेशा, और कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते, आप बस परफॉर्मेंस करते रहे और आपका नंबर आएगा ज़रूर, और आपको भी जब चांस मिले तो इसी तरह आप परफॉर्म करो। फवाद आलम ने एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की। अच्छा यासिर भाई, ये बताएं कि जो कोचेस के हवाले से बात की जा रही है कि फॉरेन कोच को लेके आ रहे हैं और ये जो कोचेस हैं हो सकते हैं इनको सीरीज़ के बाद फारिग किया जाए, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है और क्या लगता है कैसा हो पाएगा? देखिए, जिस तरह पहला टेस्ट जीत गए हैं और अगर ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोचेस चेंज होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो दे दिए। हाँ, अगर सीरीज़ हार जाते हैं या टेस्ट अगला हार जाते हैं, फिर T20 में कोई सीन हो जाता है इस तरह के, वो हार जाते हैं खुदा खास्ता, तो फिर हो सकता है सोचें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हसन अली की कमबैक को कैसे देखते हैं? हसन अली अच्छा डोमेस्टिक में उसने करके आया, परफॉर्म करके आया और अच्छा उसका, होपफुली कि वो परफॉर्म करे, लेकिन इस मैच में थोड़ा देखें पिच फास्ट बॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं था, बॉल निकल नहीं रहा था, नीचे आ रहा था,
स्पिनर्स का पिच था। अब देखते हैं अगर पिंडी में, जिस तरह के हमें पता है पिंडी में थोड़ा जान होती है पिच में, तो अगर वहाँ पे हसन अली खेलता है तो फिर शायद उसको वहाँ पे मौका मिले परफॉर्मेंस का। साउथ अफ्रीका के लिए एक सेटबैक, आप इसको कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने होम एडवांटेज जो है ना वो लिया है, और पिंडी में भी आपको लगेगा कि ये ले पाएंगे होम एडवांटेज के नहीं, साउथ अफ्रीका कमबैक करने की कोशिश ज़रूर करेगी। बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा कमबैक करने की कोशिश। देखें जो फास्ट बॉलिंग है साउथ अफ्रीका के पास, वो बॉल ऊपर करते हैं, यहाँ पे करते हैं बॉल, ठीक है, आपको इस साइड पे करते हैं बॉल, और थोड़ी सी पिच में जान होगी तो वहाँ पे बैट्समैन का टेस्ट ज़रूर होगा हमारे, स्पेशली टॉप ऑर्डर जो है, ओपनर्स हो गए वन डाउन टू डाउन, वो यहाँ से उनको टेस्ट करेंगे। तो लेट्स सी के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी विकेट में जान हो तो एक डिफरेंट सिनेरियो का टेस्ट मैच होगा। फुटसॉल खेलने का मूड है अभी आपका? अभी फुटसॉल खेलने, आप किसके साथ फुटसॉल खेल रहे हैं? मैं और अमार खेल रहे हैं। चले जी, आप लोग फुटसॉल खेल रहे हो, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ। चले जी, बाप बाप होता है।